क्योंकि हरियाणा का चुनाव अब आखिरी दौर में है और चुनावी सरगर्मियां भी बिल्कुल जोरों पर हैं। हम हैं झज्जर में और झज्जर की एक बस में, कोशिश करेंगे कि जाने यहाँ की लोगों की राय क्या है चुनाव को लेकर, किन मुद्दों पर वो वोट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा तो जी वेद प्रकाश। वेद जी, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हो इस बार चुनाव में? बीजेपी का। बीजेपी का क्यों? लोगों की क्या काम किए? काम कोम कर बढ़िया। क्या काम किए? क्या फायदा हुआ सरकार से? रोड गाड़ी बनाए सी बढ़िया, सब ने हिदायत दे रो से बढ़िया काम। उस पे टोल इतना ज्यादा होता है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे तो उनका भी प्राइस इतना बढ़ा हुआ है, तो बहुत सारी चीजें हैं। इस बार हम कांग्रेस को वोट करेंगे और जो हमारी फैसिलिटी हमें मिलनी चाहिए वो बीजेपी नहीं दे पा रही है। रोजगार भी एक मुद्दा है क्या? बिल्कुल रोजगार है, लेकिन रोजगार देखो कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो शायद कवर नहीं कर पाएगी, तो हम इसको नहीं लेते हैं। लेकिन जो सामुदायिक चीजें होती हैं वो जरूर एक आम आदमी को मिलनी चाहिए। कुछ और लोगों से जानेंगे समझेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, बिल्लू नाम है जी, गांव बाटवा है। कहाँ पर? आसी तहसील में, गांव बाटवा है। अच्छा, गांव बाटवा। क्या मुद्दे हैं लोगों के बीच में? चुनाव है, मुद्दे ही मुद्दे जी। बेरोजगारी है, किसी प्रकार का को काम नहीं हो रहा जी। सबसे बड़ी, मैं किसान आदमी, सबसे बड़ा मुद्दा है किसानी का हरियाणा के अंदर। सबसे बड़ा मुद्दा कारण यह है कि जो बीजेपी सरकार है उसने किसानों को लठ मारे हैं। सबसे बड़ी रोष यही है कि किसान में भी हमें दिल्ली नहीं जाने दिया गया, हमारी बात नहीं सुनी गई। किसान के पास यही एक मुद्दा है, किसान इसी को सोचकर वोट देना चाहता है। ठीक है, क्या नाम है आपका? जय किशन। जय किशन। अच्छा ये बताइए कि क्योंकि चुनावी माहौल है, आप भी जानते हैं, और हरियाणा का चुनाव तो ऐसा होता है कि हर आदमी जो है वो चुनाव में रुचि रखता है, क्या मुद्दे हैं युवाओं के आगे? सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तो बीजेपी सपोर्टर हूँ और बिल्कुल बीजेपी को वोट दूंगा, और लोगों से भी अपील करूंगा कि बीजेपी को वोट दो। क्या अच्छा किया है सरकार ने, किस बात से खुश है? देखो आप पे जैसे कि धारा 370 को हटाना बहुत बड़ी बात थी, और देश में जैसे कि मुसलमान जो समुदाय है वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनको ऊपर भी रोक लगाई हुई। ठीक है, कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। सबकी अलग अलग राय है, सबके अलग अलग मुद्दे हैं, और उन्हीं मुद्दों पर हरियाणा का जो चुनाव है वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आखिरी दौर में चुनाव है। बस में जो लोग सफर कर रहे हैं बिल्कुल आम नागरिक हैं, जो एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, तो उन्हीं से हमने जानने की कोशिश की। अलग अलग रूट की बसें यहां से चल रही हैं, एक और बस में चलेंगे, सफर करेंगे और जानेंगे कि यहां पर लोगों की क्या राय है। कहां जा रहे हैं आप? हिसार जा रहे हैं। अच्छा, हिसार जा रहे हैं। तो चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं? हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव तो यह सरकार तो बड़ी है वापसी, यह सरकार आज वापसी बड़ी है। अच्छा, आप चाहते हो कि बीजेपी वापस आए? हाँ जी। किस बात से खुश है? भी खुश तो यूँ है, जहाँ गरीब बच्चों को सर्विस मिल रही है, किसानों को कुछ मिल रहा है, आम आदमी को मतलब कुछ न कुछ मिल रहा है, खुश है, नहीं दिया है कुछ न कुछ। तो ये जो कांग्रेस वाले वादा कर रहे हैं ये बिल्कुल ढोकले है। क्या बोल रहे हैं, 6,000 करेंगे हम, कर्जा माफ करेंगे हम, किसानों को ये देंगे वो देंगे। पीछे इलेक्शन में क्या दिया इन्होंने? महिला को बोल रहे थे कि भाई हम हर महीने 800 रुपये, 850 रुपये देंगे, कहाँ गए वो वादे उनके? तो इसलिए हम ये चाहते हैं, ये जो बोलते हैं वो करते हैं, इन्हें जो वादा किया है वो दे रहे हैं, सच्चाई इसी में है, बाकी जनता की रहे है। देखो हमारी आप भी जनता ही? हाँ, जनता ही में। हाँ जी, हम भी जनता ही में। हाँ, लेकिन सुविधा बहुत दे रखी है पब्लिक को, हम तो यही इतना ही कहना चाहूँगा सर। चलिए, आपके साथ हम भी सफर करते हैं। चलिए 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 चलिए। क्या नाम है आपका? प्यारा। अच्छा ये बताइए, आपका नाम तो बहुत प्यारा है, अब उतनी प्यार से बताइए कि हरियाणा की जनता चुनाव के बारे में क्या सोच रही है? हम तो मोदी की सरकार चाहते हैं। अच्छा, क्यों? मोदी अपनी बात पर पक्का रहता है, जो कहता वो करता है, जो कहता वो करते हैं। हमने पहले
कांग्रेस की सरकार बहुत देख ली, उन्हें कुछ नहीं किया गरीब के बारे में, उसने कुछ नहीं सोचा, अपना परिवार, अपने आदमी, अपनी पार्टी सब उसके बारे में सोचा, गरीब के बारे में कुछ भी नहीं किया, बात ही नहीं सुनी। इसलिए हम मोदी की सरकार चाहती है, कुछ न कुछ गरीब की सुनाई हुई है इस सरकार में। ठीक है, बढ़िया। क्या नाम है आपका? सुनीता शर्मा। सुनीता जी, क्या सोचती हैं? चुनाव है, कहाँ से हैं आप? हम तो जी हरियाणा से। हरियाणा कौन सी जगह? सिरसा। सिरसा से हैं जी। क्या माहौल है सिरसा की? तो बड़ी हॉट सीट कहते हैं जी। जी हॉट सीट है, तो बड़ा कांटे की टक्कर चल रही है। कांटे की टक्कर तो देखो जी हर जगह है। हाँ। पर वो टक्कर देने के बाद कोई काम में सुधार करे जब तो है बात। ऐसे हाँ। टक्कर तो हाथ जोड़ के वोट लेते हैं। हाँ। खूब मांगते हैं, खूब महिलाओं के लिए सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी तरफ। तो आप किसको वोट दे? हम तो मोदी जी को देंगे जी। अच्छा। हाँ जी, मोदी सरकार बेस्ट सरकार। लेकिन हरियाणा का चुनाव है, यहाँ पर आप मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं या हरियाणा के मुद्दों पे वोट दे रहे हैं? जी हम तो मोदी को ही, बस मोदी के नाम से ही, बस मोदी को ही जिताना है और मोदी ही आएगा। अच्छा, विधायक कौन है, इससे कोई लेना देना ना मतलब ही नहीं हमें। हमारी तरफ मुकेश शर्मा जी खड़े हुए हैं, गुड़गांव से आई हूँ मैं। हम तो उनको ही देंगे जी कमल की वोट। अभी तो आप कह रही थी आप सिरसा से। देखो मेरा ससुराल सिरसा है, गुड़गांव वहाँ में रोटी दे रखी है। अच्छा। मेरे हस्बैंड मारुति में है। अच्छा। हाँ जी, वहाँ से आई हूँ। ओके, तो वोट आपका गुड़गांव में? हाँ जी गुड़गांव में। ओके, आपकी भी वोट की उम्र है, वोट करते हो। क्या नाम है आपका? मेरा मुस्कान। तो क्या जहाँ माता पिता जी घर वाले डाल रहे हैं वोट वहाँ पर नहीं, या फिर अपनी समझ से? अब बीजेपी है तो फिर अब हमें पता है ना कि बीजेपी ने कितना वो किया है एक्सप्लोर, और हमारा मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सब हो रहा है और काफी, तो इसलिए हम जहाँ पे हमारे को सुधार लगे ना वहीं करेंगे। तो ऐसा तो मतलब आपका तो क्लियर कट है कि फिर हम मोदी को वोट, आप ये कह रहे हैं? हाँ, लेकिन नवीन गोयल और मुकेश शर्मा हमारे वहाँ के गुड़गांव में दोनों की टक्कर है, तो अब जो ये है कि आगे जो करेंगे ना वही। लेकिन नहीं, तो आप क्या विधायक के नाम पे वोट दे रहे हो, पार्टी के नाम पे? अभी तो पार्टी के नाम पे ही, क्योंकि अभी विधायक का नहीं पता ना कि भाई आगे वो जो बोल रहे हैं वो आगे करेंगे, तो हमें इस बात का भी तो नहीं पता। लेकिन मोदी पे एक ट्रस्ट है कि हाँ भाई नरेंद्र मोदी जी है ना, तो वो तो करेंगे, तो इसलिए। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मतलब अलग अलग विचार देखने को मिल रहे हैं, कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग, हरियाणा का विधानसभा चुनाव है लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के नाम पर वोट करने की बात कर रहे हैं, जहां पर महिला की बात है, या फिर मेरी एक युवा साथी जो है लड़की, उन्होंने अपनी बात रखी, तो अलग अलग तरह के विचार हैं कुछ और लोगों से। और ये बस में चुनावी चर्चा ऑलरेडी शुरू हो गई है, हम देख रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ पे ऑलरेडी चुनावी चर्चा बस में सफर के साथ साथ, ये है हरियाणा के चुनाव का असली मजा जो आपको हम दिखा रहे हैं, जो देसी रंग है। इसीलिए कहते हैं कि हरियाणा के हर घर में राजनीति आपको देखी जा सकती है, यानी कि हरियाणा के हर घर में आपको राजनीति में रुचि देखी जा सकती है। तो पूरा पूरा चुनाव की चर्चा चल रही है बस में। ये वोट मांगन के हम तो मोदी दिन देवांगे। अच्छा। उसने सारे काम करे हैं, रोड भी बनाए हैं, जो हाँ जो काम करे हैं, नौकरी भी लाए हैं, सारे काम करे हैं। नौकरियां हैं वो इसकी सरकार में, हर गांव, हर परिवार, हर किस्म के आदमियों की लगती है। कांग्रेस की सरकार में पार्टी वाले, पैसे वाले, पर्ची खर्ची वाले लगते थे, और फिर मोदी ऐसे गांव थे जहां से कोई भी सरकारी एक नौकरी नहीं लगती। राहुल गांधी ने के ओडे जाकर ओडे, अब हर गांव से नौकरियां लगती हैं। अपने घर की कौन बदनामी करेगा? बिल्कुल, क्या बता रहे हो? मेरे परिवार में दो बच्चे ऐसे लगे हैं जिसके के शाम को खाना नहीं था उनके पास, बगैर पैसे लगे, एक पुलिस में लग गया, एक बिजली बोर्ड में लग गया, तो हम कैसे, तो इस सरकार को कैसे गिरा देंगे हम, ये बताओ आप। क्या नाम है आपका? भाई बस चल पड़ी आप, कोई बात नहीं, बस चल पड़ी है तो कोई बात नहीं, हम भी साथ ही सफर। क्या नाम है आपका? क्या नाम? विशाल।
क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में? चुनाव के सोच रखे जी, जाना किसको वोट देना है, किस तरह देखते हैं प्रत्याशी, देखते हैं जिसके साथ हमारे अच्छे लिंक होंगे, जो हमारे नजदीकी होगा उसको डाल देंगे। अच्छा, पार्टी को देख के नहीं, पार्टी को देख के नहीं, पार्टी को नीति को कुछ नहीं, इंसान अच्छा होना चाहिए। इस सरकार जो गरीब के हक में जो भी सरकार होगी हम उसके बारे में सोचेगी, हम उस सरकार के साथ है, हम किसी एक सरकार का कोई नाम नहीं लेंगे, जो जब सबके बारे में सोचेगी सरकार, हम उसके सरकार के साथ है। क्या नाम है आपका? अनुराग। क्या सोचता है युवा, क्या सोच के वोट दे रहा है? युवा तो अपना आने वाला भविष्य देखेगा, मैं मोदी युवा अपना आगे का भविष्य देखेगा, और जो अच्छा नेता हो उसी को वोट देगा, जो काम करवाएगा। सोचा है आपने कि क्या नौकरियां देख के वोट देनी है, बेरोजगारी मुद्दा है? मैं यहाँ का नहीं, मैं रास्ता। चलिए, आपका नाम? मंदीप। मंदीप, क्या सोचना यही है कि युवा के लिए भविष्य देखना है, जो युवा को आगे लेके जाएगा उसको वोट डालना चाहिए। और वैसे तो हम इनेलो पार्टी से रखते हैं संबंध, तो इनेलो पार्टी को वोट देंगे, हमारे सिरसा में इनेलो है, उनका रुतबा चल रहा है, उन्हीं को वोट डालेंगे। अच्छा, और कुछ नहीं, सिर्फ आपका। कुछ लोगों के लिए मुद्दे हैं, कुछ लोगों के लिए देश है, और कुछ लोगों के लिए अपनी लॉयल्टी है जो सालों से पार्टी के साथ है। तो जिस तरह से इस बस का सफर शुरू हो गया, इसी तरह से जो चुनावी सफर है वो भी लगातार जारी है। लेकिन काउंटडाउन, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि चुनाव का शुरू हो चुका है, आखिरी के ये जो कुछ दिन बचे हैं इसमें चुनावी जो सभाएं हैं या फिर चुनावी प्रचार है वो अपनी चरम सीमा पर रफ्तार में होता है, और उसी रफ्तार में ये बस भी अपने सफर की तरफ बढ़ रही है।